अब ये उधर भागेंगे सदन की ओर। सदन की ओर भागने पे ये पोजीशन है, विपक्ष ये जान गया है कि दिन भर की मेहनत करो, सब इतना जुटो, और सदन में क्या होता है एक तरफा वहाँ पे कि जो मेन मुद्दा महंगाई का था, उस महंगाई के लिए उन्होंने निदान कर लिया कि उन्होंने क्या किया, गैस सस्ती कर दी। जो हावी पर लॉबी पड़ती है वो मोदी की लॉबी बहुत हावी पड़ती। 10 बजे के लगभग ये सदन में आना था और अमित शाह एकदम से 10 बजे आए, हाथ उठाया, बोले धारा 370 ख़त्म, जिससे कांग्रेस में या विपक्ष में टूटन हो जाए। क्योंकि विपक्ष जो है वो आप समझ लीजिए कई दलों का गठबंधन, उसमें भी हो सकता कोई नीतीश और लालू अलग हो जाए। ऐसे क्या है कि राहुल गांधी जैसे उनकी सदस्यता बहाल हो गई तो उन्होंने 2-3 दिन बाद आए, क्योंकि उन्होंने भाषा लटा, मेरी माँ की हत्या हो गई, भारत माँ के टुकड़े हो गए, लट करके 3 दिन में आए। उनके पास तुरंत बोलने के लिए, तुरंत लड़ने के लिए, तुरंत मुद्दे के लिए अब वो प्रभावशाली नेतृत्व नहीं रहा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं HTV न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। आज एक बहुत अहम मुद्दा है जिस मुद्दे पर हम इनके साथ चर्चा करेंगे, और मुद्दा ये है कि मोदी सरकार ने विशेष सत्र जो है वो बुलाया है और इसके बाद विपक्ष में खलबली मच गई है। इसके पीछे का कारण वो समय है, वो समय जो दिया गया है विशेष सत्र के लिए, और बहुत दिलचस्प बात है कि एक तरफ विपक्ष की तीसरी और अहम मीटिंग जो है होने वाली है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मोदी सरकार ने संसद में जो है विशेष सत्र जो है वो बुला लिया है। तो ऐसे में अब अजय पत्रकार जी बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, क्या कुछ हो सकता है ये सब विशेष सत्र के दौरान जिसके वजह से विपक्षी खेमे में इस वक्त खलबली मची हुई। देखिए, एकदम से जो ये अनाउंस हुआ विशेष सत्र का, तो विपक्ष खेमे में, चूंकि विपक्ष इधर तैयारी कर रहा था। अच्छा, हुआ क्या है, जैसे किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण हुआ, अब जाके नामकरण हुआ, और नामकरण भी अभी ठीक से हो नहीं पाया, पता चला पसनी हुई नहीं, और उसके पहले जंग छिड़ जाए, तो ये पोजीशन है कि बच्चा भी वहाँ पैदा नहीं हुआ, वो कैसे लड़ेगा और उसको युद्ध के मैदान में भेजने के लिए। देखिए, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, ये 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें हैं और 5 बैठकों के अलावा इसमें जो है 17वीं लोकसभा का ये 13वां सत्र, राज्यसभा का अभी तक 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। इसमें ये भी है कि कई ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं, चूँकि ये सत्र के 1-2 दिन पहले डिसाइड होता, जो अपने आप में बहुत ही दूर तक इसके परिणाम हो और चुनाव तक बहुत आगे तक असर करें। दूसरा कि जैसा प्रहलाद जोशी ने अभी बोला है कि सत्र के बारे में, तो इस सत्र में जो 5 बैठकें हैं वो बैठकें बहुत महत्वपूर्ण। मोस्टली इस समय का जो सत्र होता है विशेष चर्चा का होता है, अगर ये इस दिन के 5 बैठकों पे अगर ये कुछ मुख्य प्रस्ताव ले आए तो अपने आप में बहुत बड़ी। इधर विपक्ष ये भी डरा हुआ है कि जो मेन मुद्दा महंगाई का था, उस महंगाई के लिए उन्होंने निदान कर लिया कि उन्होंने क्या किया, गैस सस्ती कर दी, तमाम इधर ऐसे वो हो गए कि महंगाई वाला मुद्दा अपने आप आउट हो गया। जो जो मुद्दे अभी तक विपक्ष लेके चल रहा था, अडानी वाला ही मुद्दा ख़त्म हो गया, महंगाई वाला ये मुद्दा ख़त्म हो गया। अब ये था कि विपक्ष के काफ़ी दल उनके साथ आ जाएंगे, तो विपक्ष के सामने समस्या है उनका जो कुनबा बढ़ा नहीं, बल्कि बीजेपी का कुनबा और मजबूत हो गया। बीजेपी के साथ जो आ रहे हैं लोग, वो प्रदेश में अपना आधार रखते हैं, उनका वोट अब परसेंटेज है। इनके साथ छोटे छोटे दल आ रहे हैं जिनका वोट नहीं है। दूसरा जो INDI गठबंधन का है, वो पहले जितना एक हुआ था अब उतना एक नहीं हुआ, राज्य स्तर पे वो सब टूटे हुए हैं। अब समस्या ये है कि कौन संयोजक होगा, कौन नेता होगा, प्रधानमंत्री अब बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हो सकता, चूँकि अलग अलग सब लोग बन रहे हैं। अब ये क्या रूप लेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 85 के तहत विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान है। इस विशेष सत्र को इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष की तीसरी बैठक होने वाली है, दूसरी तरफ अचानक से विशेष सत्र उन्होंने बुलाकर उस खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि अब पूरे चर्चा का विषय जो है आप कह सकते हैं कि बदल जाएगा। उनके यहाँ ये चर्चा चलेगी कि आखिर इस विशेष सत्र में पता नहीं कौन सा जो है बिल लेकर आ जाए, कौन सा जो है एक अलग आप कह सकते हैं मोदी वाला मास्टर स्ट्रोक लेकर आ जाए।
अब इस सत्र के आने से क्या है कि ये एक्चुअली में इनकी मीटिंग हो रही थी 1 तारीख को 1 सितंबर को ये बॉम्बे में, इसके बाद ये लोग मीटिंग में इनको काम दिया जाता है, ये लोग अपने मीटिंग के हिसाब से अपने दल को एक करने में सब लग जाते, सब विपक्ष को एक करते। मगर अब समस्या है सत्र आने से क्या, 18 सितंबर से जब सत्र आ जाएगा तो इनको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी और सभी दलों को पहुँचना पड़ेगा। अब वो सत्र पता चला कि सत्र में क्या प्रपोजल आ जाए, हो सकता आंध्रा गवर्नमेंट के किसी फेवर का हो तो पता चला कि, और तेलंगाना के फेवर का हो तो पता चला बीआरएस जो है बीजेपी के समर्थन में चली जाए, तो वह आंध्रा के उसमें हो तो उनकी पार्टी उनके समर्थन में चली जाए, हो सकता है कि वो तमिलनाडु के फेवर में हो तो तमिलनाडु के फेवर में पता चला AIDMK उनके साथ है ये, और DMK के साथ कहो विपक्ष को उसमें मतदान न करे। तो ये एक समस्या ऐसा आ गई कि जब ये युद्ध के लिए तैयार हुए और एक हुए तभी वहाँ पे पता चला जंग का ऐलान हो गया। तो अब ये उधर भागेंगे सदन की ओर, सदन की ओर भागने पे ये पोजीशन है विपक्ष ये जान गया है कि दिन भर की मेहनत करो सब इतना जुटो, और सदन में क्या होता है एक तरफा वहाँ पे जो हावी और लॉबी पड़ती है वो मोदी की लॉबी बहुत हावी पड़ती, वो लोग डेढ़ डेढ़ दो दो ढाई ढाई घंटे बोल लेते हैं, 2 घंटे 19 मिनट बोल लेते हैं, कोई 1 घंटा बोल लेता, इनके यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार बोलने वाले में नहीं है, लगातार बैठने वाले में नहीं। विपक्ष के सामने समस्या है कि उनको जोड़ के रखो तो लगातार परमानेंट बैठने वाले नहीं। बीजेपी में पता चला कि उनके जो बड़े लीडर भी बैठे रहते हैं बराबर, कुल लीडर तो बराबर परमानेंट बाहर वो जो मेन उसमें आगे के उसमें बैठे रहे, वहाँ से उठे नहीं, अगर गए भी बाथरूम तो फिर आके बैठ गए। कांग्रेस के साथ ये पोजीशन नहीं, तो ये सदन जो है इनके लिए मास्टर स्ट्रोक हो गया बीजेपी के लिए, और बहुत ज़्यादा घबराहट है। घबराहट बिल्कुल आपको बता रहे वो पोजीशन है भाई, ये बिल्कुल जस्ट वैसे हो गया जैसे जब धारा 370 का होना था तो पता नहीं चल रहा था क्या है क्या होने जा रहा, लोग ये जान गए थे कुछ ना कुछ हो रहा, किसी को नहीं मालूम था 370। एकदम से 10 बजे के लगभग ये सदन में आना था और अमित शाह एकदम से 10 बजे आए, हाथ उठाया बोला धारा 370 ख़त्म, तो एकदम से लोग ताजुब मान गए कैसे ऐसे ख़त्म, ना कोई प्रपोजल, बोले राष्ट्रपति के पास पहले दे आए सब, वो दे आए थे सब वहाँ से करके बोले ख़त्म। जहाँ उन्होंने ख़त्म कहा उसी वक्त कांग्रेस का जो वहाँ मेन नेता था जो वीटो जिसने जारी किया था वो एकदम से उठ खड़ा हुआ, उसने कहा शाबाश अमित शाह मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सभी लोग सकते में आ गए कि वो इनके कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं 370 ख़त्म, और जिसने वो जारी की थी विप कांग्रेस वही उनके साथ चला गया। इसमें भी ऐसा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ला सकते हैं जिससे कांग्रेस में या विपक्ष में टूटन हो जाए, क्योंकि विपक्ष जो है वो आप समझ लीजिए कई दलों का गठबंधन, उसमें भी हो सकता है कोई नीतीश और लालू अलग हो जाए, हो सकता है नीतीश लालू दोनों इस गठबंधन से अलग हो जाए, केजरीवाल अलग हो सकते हैं, मगर कहीं पर भी गठबंधन ये आत्मीय रूप से एक नहीं है। अब आप समझ लीजिए युद्ध के लिए फिर ललकार दिया गया है तो ये बेचारे अभी एक भी नहीं हो पाए तो कैसे पहुंचेंगे, ये स्थिति है। तो ये जो अब एक तरफ जो ये बैठक हो रही है और सडनली ये विशेष सत्र बुला लिया गया है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि कुछ अलग जो है बिल आ सकता है या कुछ अलग ऐसा कुछ प्रस्ताव ये लेकर आ सकते हैं, तो 5 दिन की ये बैठक है जिसमें प्रहलाद जोशी का मानना है कि इसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो इस दौरान चर्चा का विषय बन सकती है? देखिए अब यहीं पर बस एक बिल्कुल वही सस्पेंस क्रिएट हो रहा है जैसा सस्पेंस उस समय क्रिएट हुआ था, जो मतलब पहले वाले में क्लियर था मणिपुर होगा, स्पष्ट था कि मणिपुर पर चर्चा होनी, जो जो मुद्दे थे इस बार मुद्दे चर्चा ना हो पाने की वजह से विपक्ष के सामने समस्या होगी किस पे पढ़ के जाएँ किस में तैयारी होकर के जाएँ। ऐसे क्या है कि राहुल गांधी जैसे उनकी सदस्यता बहाल हो गई तो उन्होंने 2 दिन 3 दिन बाद आए, चूँकि उन्होंने भाषा लटा मेरी माँ की हत्या हो गई भारत माँ के टुकड़े हो गए लट करके 3 दिन में आए, मणिपुर में बोलना था, मणिपुर का लोग 15 रोज से महीने भर से तैयारी कर रहे थे भाषण का, अब जब वहाँ पता नहीं होगा तो कांग्रेस के सामने समस्या है कि उनके पास तुरंत बोलने के लिए तुरंत लड़ने के लिए तुरंत मुद्दे के लिए अब वो प्रभावशाली नेतृत्व नहीं रहा, ना ही निजलिंगप्पा है ना ही इंदिरा गांधी है ना ही राजीव गांधी को नॉलेज थी उनको, मगर अब कोई उस तरह का नेता है नहीं, तो ये एक समस्या बिल्कुल वही आ गई जैसे धारा 370 जब हटाई गई थी, और इसका भरपूर फायदा कौन उठाएंगे, मोदी अमित शाह और भाजपा।
अब है क्या कि एकदम से वहाँ तैयारी हो रही थी बारात की और यहाँ एकदम से युद्ध की हो गई, तो विपक्ष के सामने जो विपक्ष लगातार लगने को था किसी मूवमेंट में, तो वो बिल्कुल आप समझ लें रड़बेड़ी बज गई है। और ज़रूरी नहीं है कि जब ये इनका बारात लौट के आएगी तो बारात में हो सकता है कुछ दल इनके साथ हो। अब जैसे बसपा ने इनको मना कर दिया, अभी जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कई दल इनके विरोध में आ जाए। जब तक ये सदन चालू होगा तो आप नोट कर लीजिए पंजाब में जो सबसे मेन विपक्षी दल है सेकंड नंबर पे जो हमेशा रहा था है और रहेगा, फर्स्ट में भी हो सकता वो अकाली दल। अकाली दल भाजपा के साथ टोटल मिल चुका हुआ होगा और बसपा का भी हो सकता है कि इनके साथ हो जाए, मगर तेलुगु देशम का इनके साथ तब तक गठबंधन हो जाएगा। तेलुगु देशम का वोट भी वहाँ पे सेकंड नंबर पे है जो 20% के आसपास है, 20% वोट बहुत होता है। बीजेपी का 15-16% मिल गया तो 36% गवर्नमेंट बनने की पोजीशन। और साउथ में भी ऐसे कई दल हैं, तब तक AIDMK का भी इनके साथ पक्का प्रपोजल वो बनने जा रहा है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है इससे विपक्षी खेमे में बहुत ज़्यादा खलबली है कि पता नहीं इस बार मोदी जी कौन सा मास्टर स्ट्रोक लेकर आ जाए जिससे विपक्ष को भारी नुकसान झेलना पड़ जाए। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी नहीं है, अब इस पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।